चिकन चिली स्पाइसी पास्ता खाएँ और इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ स्पाइसी पास्ता, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए वो आपके सामने हैं। मतलब हमें शिमला मिर्च चाहिए, गाजर चाहिए, प्याज चाहिए और ये चिकन चाहिए। इसके अलावा हमें ये स्पाइसेस चाहिए, नमक है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, दादर मिर्च है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके अलावा हमें ऑयल, सोया सॉस, मिक्स हर्ब्स या ओरिगानो लीव्स और ये टमाटो प्यूरी चाहिए, ठीक है जी। और पास्ता चूँकि हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है, यहाँ हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है और ये ऑलमोस्ट डन है। मैं इसको ड्रेन कर लूँगी और फिर हम वहाँ पे हम अपनी कुकिंग करना शुरू करते हैं। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ हमारा पास्ता जो है वो बॉईल हो चुका है। मैंने इसे नमक और ऑयल डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है और अब इसको ड्रेन करके इसके ऊपर से पानी बहा दिया है, ठीक है जी, ताकि ये आपस में जुड़े ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से मतलब कुक हो गया। चलिए जी, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना पास्ता बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे इसमें। आपको ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि पास्ता में ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। साथ हम ऐड कर देंगे इसमें जो हमारे पास चिकन थी वो। अब हम इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। अब हम आगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि चिकन जो है वो अच्छे से मतलब उसका कलर चेंज हो गया। इसको 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। इस जगह पे आके हम अपनी सारी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। सारी स्पाइसेस करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सब्ज़ियाँ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके अलावा भी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं मौसम के लिहाज से जो आपके पास अवेलेबल हों, और स्पाइसेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे हम सब्ज़ी में सबसे पहले हम गाजर ऐड कर देंगे क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है। हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इन चीज़ों को भूनने के बाद जो है ना, अब हम दोनों जो हैं ये वाली प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इनको भून लेंगे। 1.5 से 2 मिनट आपको इसको भूनना है। आगे हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट मिक्स कर लेंगे। साथ ही हल्का सा पानी डालेंगे सफेद भून ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। हो गया,
स्टेज पे आके हम सोया सॉस डालेंगे। हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून टेबल मिर्ची सोया सॉस ऐड कर देंगे, या अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनका हाई पसंद है। मैं कभी कभी कुछ ज़्यादा डाल देती हूँ। डालेंगे इस स्टेज पे आप इनको चख सकते हैं कि मतलब आपकी नमक मिर्च है ना, ठीक है। अगर तो आपको कम लग रही है तो आप इसमें एडिशन कर सकते हैं अपने नमक का, अपनी मिर्च का, काली मिर्च का, जो भी आप डालना चाहें, ठीक है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बैटर तैयार हो गया है, और इसमें मैंने हल्का सा जो है ना वो काली मिर्च और नमक का इजाफा किया, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, हमारा पास्ता बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिए। इस स्टेज पे आके हम इसमें 1 कप शिमला और 1 कप जो है ना मोज़रेला चीज़ जो है ना वो ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, और हमारा स्पाइसी चिकन चीज़ पास्ता जो है ना वो तैयार है। इसको मिक्स करने के बाद हम जो है ना 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दे देंगे, या कवर करके रखते हैं। ये जी, इस स्टेज पे हमने इसको कवर किया, और 5 मिनट के लिए हमने फ्लेम भी बहुत हाई नहीं है, हमने मीडियम लो पे रखा है। इसको हम इतना 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। मैं डिश आउट करने के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पास्ता तैयार है। चिकन चीज़ स्पाइसी पास्ता खाएँ और इन्जॉय करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।